गुड मॉर्निंग एवरीवंस, मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। BSc पार्ट सेकंड में चैप्टर थर्मोडायनेमिक सेकंड के कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे ANGS क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी देयर एडवांटेज ओवर एंट्रोपी चेंज। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हम देख लेते हैं कि उन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं जिसमें सिस्टम पर कोई बाहर कार्य ना किया जाए और वह बिना किसी बाहरी सहायता से अपने आप ही संपन्न हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम स्वतः प्रक्रम कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। आप लोगों ने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, गैसेस होती हैं वो हाई प्रेशर से निम्न दाब की ओर ही विसरण करती हैं। माना किसी परिवर्तन के दौरान प्रसार कार्य के अतिरिक्त किए गए कार्य को प्रदर्शित करना है, तो हम इसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो उस पोजीशन में डेनियल सेल, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं, जो वर्क हो जाएगा WA = W electric और उत्क्रमण सेल के लिए हो जाएगा -ΔG = W। किसी प्रोसेस में प्रसार कार्य के अतिरिक्त अगर कोई अन्य कार्य को हम शो नहीं कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन में ΔWA की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 के बराबर और -DG > ΔWA को निम्न प्रकार से हम शो कर सकते हैं, -DG > 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। निश्चित परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण होगी, -ΔG > 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या शो करते हैं, यह शो करते हैं कि स्थिर ताप व दाब पर किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए -ΔG धनात्मक होना चाहिए, अर्थात ΔG का मान ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात गिब्स ऊर्जा के मान में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। एक स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रम तब तक संपन्न होता जाएगा जब तक कि उसकी गिब्स ऊर्जा का मान घटते घटते एक न्यूनतम मान तक नहीं पहुंच जाता। वह न्यूनतम मान क्या होगा, अतः साम्यावस्था पे किसी तंत्र की ऊर्जा का न्यूनतम मान क्या होगा, DG = 0। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की इक्विलिब्रियम तथा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिटरमाइन या निर्धारित करने में गिब्स ऊर्जा ΔG का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ΔG की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा और अगर नेगेटिव है तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एंट्रोपी परिवर्तन, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा परिवर्तन और गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के मान और उनके साइनों के आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा प्रक्रम किस तरह का होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, इक्विलिब्रियम होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ΔS अगर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम, तो 0। ΔA स्वतः प्रवृत्ति नेगेटिव साइन और साम्यावस्था में 0 और ΔG स्वतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो इसका नेगेटिव साइन और साम्यावस्था में होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ जी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि किस तरह से जी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएट करता है। ताप व दाब परिवर्तन से मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी तंत्र की
फ्री एनर्जी को किस तरह से शो करते हैं, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। हम लोग जानते हैं एच इज इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी। एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। एच की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करने पर जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलती है। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस सॉरी डेल ई प्लस डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारी हो गई इक्वेशन। सेकंड हम लोग जानते हैं डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है इज इक्वल टू पी टी वी। चूंकि ये प्रोसेस क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस है, तो क्यू रिवर्सिबल टी डी एस इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड के रखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ जी में टेम्परेचर व प्रेशर के साथ होने वाले परिवर्तन को शो करता है। विभिन्न परिस्थितियों में इक्वेशन जो फोर्थ है उसको अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट हम लेते हैं कि अगर इस प्रोसेस में क्या होता है कि दाब स्थिर रहे, दाब स्थिर रहेगा तो डी पी प्रेशर कांस्टेंट डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं तो डी जी इक्वल टू क्या होगा माइनस एस डी टी। चूँकि प्रोसेस क्या है कांस्टेंट प्रेशर पर, माइनस डेल जी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एस, ये यहाँ नीचे आ गया। एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समदापी रूपांतरण में ताप में वृद्धि के साथ प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में कमी होती। अब ये जो प्रोसेस था वो तो हमने करा कांस्टेंट प्रेशर पर, अतः ठोसों में ताप ताप के साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर कम तथा गैसों में अधिक होता। अब इसी प्रोसेस को हम किस पे करते हैं, हम करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन फोर्थ हमारे पास, ये इक्वेशन फोर्थ है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन सेवन्थ हमें मिलती है, जो क्या शो करती है, वो शो करती है कि समतापी रूपांतरण में दाब वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, अतः गैसों में दाब के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर अधिक होती। थर्ड है कि गैसों के लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त करने के लिए वॉल्यूम को प्रेशर के फॉर्म में गैस समीकरण पी वी इजिकल टू एन आर टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वॉल्यूम की वैल्यू निकल गई यहाँ पे V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, या हमने लिमिटेशन लगा दी जी वन से जी टू, इसका इंटीग्रेशन कर लिया पी वन से पी टू, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। लॉग में चेंज करते हैं तो उसकी डेल्टा जी की वैल्यू आती है 2.303 एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी। अगर इसको हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो डेल्टा जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरह से होगी 2.303 एन आर टी लॉग वी वन अपॉन वी टू, जो हमारे पास इक्वेशन 10। अब ये बात हो गई कि किस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी वेरिएट करती है किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, ए किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर व प्रेशर में परिवर्तन से
हेल्मटोल्ट्ज़ ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी इंटू एस। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हम सभी जानते हैं, पी इंटू डी वी। ये इक्वेशन सेकेंड है। ऊष्मा गति के सेकेंड लॉ के अनुसार एंट्रोपी होती है डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो टी डी एस की वैल्यू क्यू रिवर्सिबल, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। डी ए इज इक्वल टू पुट करने पर जो इक्वेशन हमारी आएगी वो होगी हमारे पास डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी पी माइनस एस डी टी। तो इक्वेशन थर्ड ए में टेम्परेचर व वॉल्यूम के साथ होने वाले परिवर्तन को शो करता है। विभिन्न परिस्थितियों में इक्वेशन थर्ड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मों में व्यक्त किया जाता है। जब वॉल्यूम निश्चित हो यानी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वेशन थर्ड हो जाएगी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट डी ए इज इक्वल टू माइनस एस इंटू डी टी। चूँकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस, इक्वेशन फोर्थ हमें प्राप्त होती है। जब टेम्परेचर निश्चित हो यानी डी टी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थर्ड में जो वैल्यू होगी वो डी ए इज इक्वल टू माइनस पी इन टू डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, तो डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। ये हो गई इक्वेशन। एक मोल आदर्श गैस के लिए इक्वेशन होगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ से पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। डी ए इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी डी वी, या कॉमन लेंगे डी वी अपॉन वी। लिमिटेशन हम लोग लगा देते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ए वन से ए टू, इसका वी वन से वी टू। डेल्टा ए माइनस आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 लॉग माइनस का साइन हटाएंगे तो वी वन ऊपर और वी टू नीचे। तो एन मोलो के लिए हो जाएगी डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 2.303 एन इंटू आर इंटू टी लॉग वी वन अपॉन वी टू। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेवन। थैंक यू।